हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय हैं अजय जो 30 साल के हैं, जिन्होंने मेरे पास अभी ऑर्थो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, इनका ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है। और इनका जो ट्रीटमेंट था वो पहले से रिलैप्स हो गया था, आज से 2 साल पहले इन्होंने ट्रीटमेंट कराया था और अब दोबारा से ब्रेसिस लगवाए हैं, हिम्मत की है, दोबारा से एक उम्मीद जागी है, एक होप है। और जानना चाहूँगा अजय से इनका एक्सपीरियंस, इनकी पूरी जर्नी और 2 साल पहले जो ट्रीटमेंट हुआ था और अब में क्या फ़र्क लगता है और ट्रीटमेंट फेल क्यों हुआ, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कारण जानना कि कोई भी अगर ट्रीटमेंट होता है कॉस्मेटिकली या कोई भी इम्प्लांट्स हैं या वो फेल क्यों होता है और दोबारा जब पेशेंट कराता है तो वो कैसे उसको हिम्मत आती है। तो काफ़ी हिम्मती हैं अजय, उनसे जानना चाहूँगा। यस अजय, बताइए हमारे उन मित्रों को, भाइयों को, और उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा ज़रूर देंगे आप, दिल से बताइए। मेरे थोड़ा जॉ लाइन में दिक्कत आ रही थी, बाइटिंग में दिक्कत आ रही थी, बाकी थोड़ा अलाइनमेंट के लिए मैं सर के पास आया था ट्रीटमेंट के लिए। तो जब ये ट्रीटमेंट पहले कराया था 2 साल पहले, वो 1 साल लगा था उसमें, तो रीज़न क्या था फेल होने का ट्रीटमेंट, मतलब यू आर नॉट वेरी हैप्पी? पुराने वाले ट्रीटमेंट से मैं कैसे, मतलब क्या थोड़ा मुझे सर स्माइलिंग के लिए देना था, अलाइनमेंट ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ था और फिर भी दांतों में गैप रह गया था। हाँ सर, थोड़ा गैप रह गया था। उसके बाद फिर हमने जब इवेल्युएट किया, स्कैनिंग किया, तो बिफोर आफ्टर पेशेंट्स को जब हम दिखा देते हैं तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि कैसे मूवमेंट आएगा, फेस कैसा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनके हमने नीचे के 2 मोलर्स, 3rd मोलर्स एक्सट्रैक्ट किए थे जो हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड थे, बहुत क्लोज थे नर्व के, जो इन्फेरियल नर्व होती है उसके बहुत क्लोज थे। तो CBCT कराया हमने इनका और उसके बाद इवेलुएट किया, उसके बाद हमने वो एक्सट्रैक्शन किया था। अब एक्सट्रैक्शन के लिए भी 3rd मोलर्स के लिए पीजो सर्जरीज आती हैं जो अल्ट्रासोनिकली बोन को हटाती हैं और बहुत एट्रोमैटिकली मिनिमली इन्वेसिव तरीके से हम लोग दांत को निकालते हैं। थोड़ी स्वेलिंग आती है बट एक्सट्रैक्शन आराम से हो जाता है। जब एक्सट्रैक्शन भी किया था तो उस समय कोई डिस्कम्फर्ट रहा था, स्वेलिंग मुझे लगता है थी तुम्हें काफ़ी दिन, थोड़ी स्वेलिंग थी जब फर्स्ट निकाला था, शुरू में नम भी था। हाँ सर, थोड़ा नमनेस थी, मैंने फीलिंग करा चुका था सर पहले, फिर थोड़ा दर्द रहता था। जब एक्सट्रैक्शन करा था उसके बाद भी थोड़ा सा नमनेस थी कुछ दिन, उसके बाद ठीक हो गया था, ठीक हो गया था। एक्सट्रैक्शन के दौरान जब हम 3rd मोलर निकालते हैं तो कई बार क्या होता है, शुरू में थोड़ा सुन रहता है कुछ दिन, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो अभी जो है 6 महीने पूरे हो चुके हैं इनके ट्रीटमेंट को, और अभी कैसे लग रहा है अजय, कुछ फ़र्क लगता है? जॉ लाइन ठीक आ रही है, दांत सही हो रहे हैं और पहले से बहुत बेटर है। तो एक्सट्रैक्शन का फ़ायदा हुआ। yes. सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मुंह में क्या हो रहा है। प्रोग्रेशन कैसे देखते हो खुद की, वो बताओ मुझे। नहीं, खुद की प्रोग्रेशन मुंह में जैसे चेंज आ रहा है, आप तो अपने आप को रोज़ देखते होंगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं यार अब तो तेरे दांत ठीक लग रहे हैं, पहले तो तेरे दांत एकदम बाहर थे, कुछ ऐसा कुछ बताते हैं लोग, फीडबैक देते हैं? नहीं देते। तो खुद को क्या चेंज लगता है? सिर्फ जॉ लाइन ठीक हो गई, जॉ लाइन भी ठीक हो गई है। अच्छा, वो जो सामने पहले से काफ़ी फ़र्क है, चलो आई होप ऐसा ही फ़र्क पड़ता रहे और आपको और अच्छी सी स्माइल आ जाए। 3-6 महीने का सफ़र और है अभी। तो वो जो सामने वो पेशेंट्स देख रहे हैं जो अभी भी बहुत सोच विचार कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं, कई लोग ट्रीटमेंट करा चुके हैं वो सोचते हैं अब कराना ही नहीं है ट्रीटमेंट, बिकॉज हम लोग वी डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो उनको कुछ कहना चाहेगा भाई, बिकॉज आपके वर्ड्स मेरे से ज़्यादा आपके वर्ड्स उनको मोटिवेट करेंगे। तो बहुत थैंक यू, हमने तो अकेले आए थे यहाँ पे, पहली बार ही मिला था, तो बोला ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उम्मीद सिर्फ उम्मीद दी थी, हिम्मत आपने रखी है, मगर फिर भी तो उन पेशेंट्स को बोलना चाहेंगे कुछ ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्थो के लिए ट्रीटमेंट कराइए। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है ब्रेसिस के लिए आप आइए हमसे, जो भी आपके सवाल हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी DM कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि WhatsApp पे जितने लोगों को जवाब दें, एजुकेट करें, हमसे जितना बनता है हम वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कोई भी आपका सवाल है ऑर्थो के लिए, तारों के लिए, ब्रेसिस के लिए, अलाइनर्स के लिए, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसिस क्या होते हैं जो इन्होंने लगवाए हैं, डेमोन ब्रेसिस क्या होते हैं अब आपको पता करना है, सिरामिक और मेटल में क्या फ़र्क होता है अगर उसके बारे में पता करना है, इनविजिलाइन और नॉर्मल अलाइनर्स में क्या फ़र्क है अगर उसके बारे में पता करना है,
तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। और अजय जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, और हम सिर्फ यही एक माध्यम लेते हैं जहाँ पे हम उनके रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो अजय थैंक्स अ लॉट फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। अब धीरे धीरे तो और स्मार्ट होता जा रहा है और अच्छा अच्छा दिख रहा है, स्माइल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है।